हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वापस स्टडी चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। भाई देखो, अभी हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऑल्दो ये सुबह जब मैं करेंट अफेयर्स का क्लास ले रही थी उस टाइम पे आप ही लोगों ने इन्फॉर्म किया था और इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया था, बट थोड़े से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं लालजी टंडन जी से जुड़े हुए। अभी मैं चैट देख रही थी तो चैट में कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हो गया इनको, मतलब दिस इज जस्ट लाइक कि क्या भैया दुनिया के बारे में पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वेल, कोई ना, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो काम होता है, एक बार से लिंक को कॉपी करो और फटाक से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी सेशन में जुड़ पाएं। ओके, वेरी गुड इवनिंग विकास, आशीष कुमार, राहुल, मंजीत, नितिन भाई, कोमल मैम करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली थी, तो वो करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो अन अकेडमी पे है 6:05 पे। तो पहले ये बर्निंग इशू, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर दिन सुबह 7 बजे आपको मिलता है प्रॉपर करंट अफेयर का सेशन, जिसमें हम लोग पूरे दिन भर की न्यूज़ डिस्कस करते हैं। कौन से चैनल पे होता है? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे होता है, तो इसको ज्वाइन करना सुबह लाइव मत भूला करिए। इसके अलावा 11 बजे भी आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का सेशन रहता है। अब इसके अलावा अभी क्या बात करनी है, देखिए लालजी टंडन जी, मैं आपको पिछले 5-6 दिनों से यही चीज़ बता रही थी कि एमपी के अंदर जो गवर्नर थे वो कौन थे, लालजी टंडन जी। इनकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही थी और तबीयत खराब होने के कारण यहाँ का जो पूरा का पूरा कार्यभार था वो यूपी की राज्यपाल यानी कि किसके ऊपर, आनंदीबेन पटेल जी के ऊपर था। तो अब देखो आज क्या हुआ, आज सुबह 7:15 की बात है जब लालजी टंडन जी की डेथ हो गई। तो हम लोग इनसे जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखो स्टैटिक के पार्ट पे एग्जामिनर कैन आस्क यू एनीथिंग, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। चलो अच्छा भैया, ऑल सब सेट, ऑल सेट ना, ऑल सेट, चले ना फिर आगे डिस्कस किया जाए इसके बारे में। ओके चलो, अच्छा बात करी जाए भैया, सेशन को एक बार जरा शेयर कर दो ताकि यहाँ पे बाकी लोग भी आ जाए करें क्लास में। जरूरी होता है कि सब लोगों की प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि 10 मिनट के क्लास में अगर तुम लोग इस तरीके से आओगे तो फायदा क्या है कि 5 मिनट बाद आ रहे हैं, 10 मिनट बाद आ रहे हैं। चले अच्छा, शुरुआत करी जाए ना यहाँ पे। चलो अच्छा, अब जब हम बात करने जा रहे हैं लालजी टंडन जी के बारे में, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं कि बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे क्या हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके अभी हाल ही में डेथ हो गई है और डेथ इनकी कितने साल पे हुई, 85 ईयर्स। आप देखो सबसे पहला पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम भी आ रहा है। सिंपली पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पे ये ध्यान, एग्जैक्टली आर्टिकल नंबर 155, बड़े स्मार्ट हो गए हो तुम लोग। यहाँ पे इनका जो पूरी की पूरी जो इनकी बर्थ है, पूरा जो इनका लाइफ है, इनका जो पूरा लाइफ स्टाइल है, वो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि लखनऊ से जुड़ा हुआ था। चाहे फिर इनका पॉलिटिकल करियर हो, चाहे फिर इनके खान पान की क्यों ना बात हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट, लालजी टंडन जी जो हैं वो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो लास्ट जहाँ पर वो काम कर रहे थे तो वो एज अ गवर्नर यानी कि राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। कौन से स्टेट के अंदर? एमपी के अंदर। कौन से नंबर के गवर्नर थे ये आपसे एग्जाम में पूछा आ सकता है, तो बी प्रिपेयर। सेकेंडली आपको ये याद रखना है ये वाला पॉइंट, बीजेपी लीडर, अब आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना ही है, तो ही वॉज अ मेंटोर, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लीड रोल प्ले करते थे लालजी टंडन जी किसकी लाइफ में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइफ में। जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ आना होता था, इनसे मिलने के लिए वो हमेशा समय निकाल लेते थे और हमेशा इनको बोलते थे कि अगर मैं लखनऊ आ रहा हूँ तो बिना कचौड़ियाँ खाए तो नहीं जाऊँगा, तो लखनऊ इज़ ऑल अबाउट फूडीज, है ना। तो बस यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इनके जीवन से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, चौक, लखनऊ का सबसे फेमस जगह। हम लोग बात करते हैं ना चिकनकारी की, तो चिकनकारी के बाद जब भी आएगी तो आपको चौक का नाम ज़रूर ही सुनने को मिलता है। इनका जो ग्रेजुएशन हुआ वो भी आप देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ से कोई सवाल आपके लिए पुटअप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो सबसे पहली बार इन्होंने जो चुनाव लड़े थे आप देख सकते हो 1962 में, किस चीज़ के चुनाव, लखनऊ के अंदर जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद धीरे धीरे करके इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसकी हो जाती है शुरुआत। इसमें आपको कुछ ऐसे भी पन्ने मिलेंगे इनकी लाइफ के अंदर जहाँ पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलता है कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव होने थे उस टाइम पे इन्होंने जो अपनी कुर्सी थी वो भी छोड़ी थी, किसके लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो काफी सारी चीजें हैं जो इनकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जो अभी अभी आते जा रहे हो, गुड इवनिंग टू ऑल। अब देखो यहाँ पे
ड्यूरिंग 1978 टू 1984 लालजी टंडन एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स। अब एक्चुअल तरीके से जब ये पॉलिटिक्स में आए थे तो वो टाइम पीरियड क्या था, 1978। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूपी का जो विधान परिषद है, यानी कि जो आपका होता है ना विधानसभा और विधान परिषद होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने लीडर ऑफ हाउस के रूप में भी काम किया है यूपी के अंदर। तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं यूपी से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पावर ये भी इनके पास रहा है। तो एग्जाम में फिलहाल तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पावर इनके पास था कि नहीं था, बट ये जो पॉइंट है ये आपसे पूछा आ सकता है। देखो, ही वॉज इलेक्टेड टू द 15th लोकसभा इन ईयर 2009। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको लोकसभा में जगह कौन से ईयर में मिली थी, तो आंसर हो जाएगा 2009 में। कौन सा वाला यहाँ पे चुनाव है, 15th वाले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस टाइम पर इनको वहां पे जगह दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, August 23, 2018 इनको यहाँ पे कहाँ का बिहार के राज्यपाल के रूप में चुना गया और किसकी जगह पे चुना गया, जरा ये भी जान लेते हैं, सत्यपाल मलिक जी। अगर सत्यपाल मलिक जी की अभी हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये कहाँ के राज्यपाल हैं, गोवा के। इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, बिहार के। तो बिहार की जो कुर्सी थी, राज्यपाल की जो कुर्सी थी, वहां से जब इनको हटाया गया सत्यपाल मलिक जी को, तो यहाँ का कार्यभार किसको दिया गया था, लालजी टंडन जी को। और बिहार से डायरेक्टली इनका अपॉइंटमेंट कहाँ पे किया गया, एमपी के अंदर। तो ये सारे पॉइंट इनको रिलेट कर लीजिएगा कि एमपी से पहले वो कहाँ पे गवर्नर थे और उसके अलावा उनकी जो पूरी लाइफ है उसमें कहाँ कहाँ पॉलिटिकल चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं, किसके वो गुरु थे, बाबूजी के नाम से भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे लोग इनको जानते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स कि कहीं ना कहीं ये जो चीज होती है ना वो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे। अब आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह ही इनकी डेथ हुई है, लेकिन इसके अलावा क्या और कोई पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में पूछा सकता है। देखो, अगर किसी की भी डेथ होती है या फिर अगर कोई फेमस पर्सनालिटी होते हैं उनसे जुड़ी हुई अगर कोई बुक होती है तो डेफिनेटली वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो बी प्रिपेयर, अनकहा लखनऊ, ये किताब का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। लिख के इसको एस्ट्रिक मार्क बना लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। करेक्ट अभिषेक, जम्मू एंड कश्मीर के सबसे लास्ट जो गवर्नर के रूप में काम किए थे वो कौन थे, सत्यपाल मलिक जी थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी प्रेजेंट टाइम में वो गोवा के हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि अनकहा नाम की जो किताब है वो किससे जुड़ी हुई है, लालजी टंडन जी के नाम से जुड़ी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम हर एक चीज़ को समराइज करें तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, एक बार से ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, किसके ये गुरु थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। सेकेंड पॉइंट, 22nd नंबर के गवर्नर राज्यपाल थे एमपी के। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी अगर बर्थ पूछी जाएगी तो कहाँ पर, लखनऊ के अंदर, और लखनऊ जो है वो फेमस है चिकनकारी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, चौथा जो पॉइंट होगा, सबसे पहला अगर यहाँ पे पूछा जाता है चुनाव के बारे में तो नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आ जाएगा आपका विधान परिषद, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ओवरऑल 5 पॉइंट तो ये हुए, 6 पॉइंट कौन सा हो जाएगा, लोकसभा। लोकसभा में एंट्री कब हुई ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। और हाँ, खान मतलब वो वैसा आ रहा है, लखनऊ के अंदर अगर आप रहते हो तो आप फूडी तो हो गई होगे, फिर चाहे वो लखनऊ की लस्सी हो, लखनऊ की कचौड़ी हो, एनी थिंग, तो उसके तो ये बहुत ज्यादा शौकीन थे। ओके, चलो एग्जैक्टली ये सब तुम लोग को मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि इससे पहले वो कहाँ के गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर थे, और आज उनकी डेथ हो गई है। और इनसे जुड़ी हुई जो ये किताब है इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको रट गए होंगे क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं, बट हाँ जहाँ से सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब जल्दी से भैया एक बार से ओके, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी। एक बार से सेशन को लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद कहाँ आपसे मुलाकात होगी जरा वो बता दें। अब आपसे मुलाकात होगी अन अकेडमी पे 6:05 पे। जून के करंट अफेयर का सेशन आपके लिए लाइंड अप है, उसको अटेंड करना मत भूलना। क्लास का जो लिंक है वो यहाँ पे टेलीग्राम पे भी हम शेयर कर देंगे। और हाँ, एक चीज और, आप लोगों ने डिमांड करी हुई थी मैम लूसेंट के 100 क्वेश्चन की सीरीज, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत जल्दी लाइंड अप होने जा रही है इसी वीक में। तो अगर आप उसका पूरा अपडेशन चाहते हैं कि कब होगा, क्या टाइमिंग है, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी शुरुआत होने जा रही है 25 जुलाई से। जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो प्लीज रिमेंबर आपको जो कोड यूज करना है दैट कोड विल बी कृति10। ठीक है, ऑल सेट। आर्टिकल नंबर 155, देखो जब अपॉइंटमेंट आता है ना गवर्नर का तो हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल नंबर 155।
अब इसी में एक क्लॉज और जोड़ा गया है कि एक ही राज्यपाल जो है वो एक से ज्यादा राज्य के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 155. तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऑल सेट. क्यों अमृता आप 6 बजे क्या प्रॉब्लम है यार? देखो ये वैसा वाला है, कुछ लोग बोलते हो मैम दिन में मत रखो, कुछ कहते हो रात में मत रखो क्लास. अब बताओ शाम का ही समय तो बचा, अब हर एक को अगर हम हर एक के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना सीखो यार. हर एक चीज़ आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं पॉसिबल होती, और ये वो स्पेशल क्लासेस हैं जो आप लोगों के लिए मस्ट वॉच वाले रहते हैं. तो ये ध्यान रखो ये चीज़ें बार बार आप लिए रिपीट नहीं होंगी. तो प्लीज़ बी प्रेजेंट इन द क्लास जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जून का करंट अफेयर्स रिवाइज करने जा रहे हैं. ऑनलाइन अकेडमी फ्री क्लास है, बाकी क्लासेस के अपडेशन के लिए ज्वाइन करना ना भूलें टेलीग्राम, और हर दिन सुबह 7 से 8 कहाँ पे बायफ स्टडी स्टूडियोज चैनल पे. तो चलो मिलते हैं अन अकेडमी पे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.